टू डीजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल हुई शुरू। हड़ताल के पहले दिन केंद्रीय कार्यालयों के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने भी किया कर्मचारियों को संबोधित। रतलाम जिले के अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या आधा दर्जन रही। कोई हुआ सड़क हादसे का शिकार तो कोई टकरा या ट्रेन से। जहर खाने के साथ ही फांसी लगाने से भी मौत का मामला आया सामने। जवाहरनगर क्षेत्र में सड़क के बीच बना सरियों का गुलदस्ता, नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही का नायब उदाहरण। 2 महीनों से खुदा गड्ढा दे रहा सड़क हादसे को आमंत्रण। केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। सोमवार को बैंक, बीमा, BSNL, पोस्ट ऑफिस समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। केंद्रीय कर्मचारी के हड़ताल पर होने से काम काज पर असर पड़ा। सबसे ज्यादा असर बैंक की 300 ब्रांच पर हुआ। मंगलवार को भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से सबसे अधिक प्रभावित बैंक रहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों ने इस हड़ताल में शामिल होकर कामकाज बंद कर रखा है। साथ ही अधिकारियों के संगठनों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। ऐसे में भले ही बैंक जरूर खुल जाए, लेकिन बैंक का कामकाज प्रभावित होगा। पोस्ट ऑफिस पर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शोक नहीं मजबूरी है या हड़ताल जरूरी है के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। पोस्ट ऑफिस विभाग के करीब 4 लाख से अधिक कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं। वहीं रतलाम संभाग के 2000 के करीब कर्मचारियों ने हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को कोसा। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों ने सेव पीपुल सेव इंडिया का टेक लाइन बनाकर कर्मचारियों को जोड़े रखा। कर्मचारी नेता ने जानकारी देते हुए बताया, खास करके कुछ सेक्शनल डिमांड भी है, जिसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करना और पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की जाना है। और इसके साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो है सरकार की जो है कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है, बेरोजगारी के खिलाफ है, और हमारे जो है नवयुवाओं को रोजगार की बात है, जहाँ पर महंगाई की बात है। तो एक इसका स्लोगन है इस हड़ताल का, सेव पीपुल एंड सेव इंडिया या सेव नेशन। तो ये हड़ताल जो है आम लोगों के भले के लिए हड़ताल की जा रही है। इसमें जो हमारी सेक्शनल डिमांड्स से, है वो भी कुछ शामिल है। तमाम जो है ग्रामीण डाक सेवक, तमाम पोस्टमैन, तमाम MTS, तमाम जो है हमारे क्लरिकल स्टाफ जो है इस हड़ताल में शामिल है, और रतलाम संभाग में ये हड़ताल पूरी तरह से सफल। साथ ही 2 बत्ती क्षेत्र में श्रमिक कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने शिरकत करते हुए कर्मचारियों को संबोधित किया। केंद्र में बैठकर अगर आपका सरकार बनाने का उत्तरदायित्व है, अगर जनता ने आपको आगे चुनकर भेजा है, तो सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए जनता की कैसे सेवा की जाए, हमारे कर्मचारियों की कैसे सेवा की जाए, आम जनता दुखी नहीं हुआ इस बात का निर्णय लिया जाए। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, वह निर्णय चंद उद्योगपति मित्र आपस में बैठ कर ले रहे हैं। वो निरंतर रूप से इस बात को देख रहे हैं कि किस चीज में फायदा है, चाहे रेलवे का निजीकरण करने का मामला है, जो उनको सबसे पूर्व में इन्होंने जो एनालिसिस किया उसमें हमारे सभी जो डिपार्टमेंट निजीकरण। जिला अस्पताल में आज अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों का आंकड़ा आधा दर्जन तक पहुंच गया। जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी पर अलग अलग हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों से भरा रहा। रतलाम जिला अस्पताल में आज अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों का आंकड़ा आधा दर्जन तक पहुंच गया। जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी पर अलग अलग हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों से भरा रहा। पहला मामला नामली थाना अंतर्गत का रहा, जिसमें राज पिता बलराम जाट 12 वर्ष की करंट लगने से मौत का रहा। दूसरा मामला भी नामली थाना अंतर्गत ग्राम मलवासा का रहा, जिसमें प्रमिला सिंगारे की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीसरा मामला डोडर चौकी ग्राम थाना रिंगनोद के ग्राम परवलिया का रहा, जिसमें महिपाल पिता लालचंद 45 वर्ष
बीपीओ नागल सिरोही जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी था। वह औरंगाबाद से धारवेड़ा हरियाणा ट्राला लेकर जा रहा था, तभी रिंग रोड ढोडर में मृतक के ट्राले का स्टेयरिंग फेल हो गया, जिससे हुए हादसे में ट्राला चालक महीपाल की मौत हो गई। चौथा मामला रतलाम शहर की जीआरपी चौकी क्षेत्र रेलवे कॉलोनी में घटित हुआ, जिसके अंतर्गत नवविवाहिता रानीपति देवीलाल 29 वर्ष ने जहरीले पदार्थ का सेवन करने से उसकी मौत हो गई। जीआरपी चौकी ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पांचवा मामला जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुआ, जिसके अंतर्गत प्रताप नगर निवासी नंदकिशोर पिता जगन्नाथ बघेल 30 वर्ष की ट्रेन से टकराने के कारण मौत हो गई। जीआरपी थाने ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। छठा मामला दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत ईश्वर नगर क्षेत्र में घटित हुआ। जानकारी अनुसार राधेश्याम पिता भेरूलाल 28 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार मृतक अत्यधिक शराब के सेवन का आदी था, वहीं विगत रात भी नशे में था। संभवतः अत्यधिक नशे में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया जा रहा है। मृतक का नाम है राधेश्याम पिता बेरुला जी, जाति गुजर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ईश्वर नगर रतलाम। रात में दारू मारू पीने के आदत, रात में जी अकेला रहता था घर के पड़ोस में, और एक कमरा बना है वहाँ, तो वहाँ पे उन्होंने पता नहीं कब रात में फांसी लगाई जी। वो घर वालों को भी नहीं पता क्या कुछ, दरवाजा अंदर से बंद था। जवाहर नगर क्षेत्र में पिछले 2 माह से 20 सड़क में खुदा गड्ढा दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। निगम अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी लापरवाह अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। निगम प्रशासक कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जरूर निगम अधिकारियों में हर दिन ऊर्जा का संचार करते हो, लेकिन निगम अधिकारियों का यह आलम है कि हम नहीं सुधरेंगे कि लाइन पर ही काम करते दिखाई देते हैं। नगर निगम द्वारा शहर विकास के कई दावे किए जाते हैं और स्वच्छता अभियान में जहां नालियों की सफाई के दावे कर रहे हैं, वही शहर की सड़कों के सौंदर्यकरण के दावे भी निगम आयुक्त करते दिखाई देते हैं, लेकिन निगम के यह सारे दावे मात्र शहर के मध्य एवं मुख्य मार्गों तक ही सीमित है। यदि कॉलोनियों की अंदरूनी हिस्सों में जाए तो निगम के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई देती है। जवाहर नगर सी कॉलोनी में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल जाएगा। यह सड़क के मध्य में उगा कोई सरियों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि निगम अधिकारियों की बदौलत मौत को आमंत्रण देता नाली खोदने से निकले नुकीले सरिये है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर निगम अधिकारियों ने गड्ढा पिछले 2 माह से सफाई के नाम पर खोद रखा है, लेकिन ना तो यहाँ पर सफाई हुई है, ना ही गड्ढे को पुनः सही किया गया। निगम अधिकारियों की बदौलत यहाँ के लोग रात में जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। रात के अंधेरे में स्थिति और भयावह हो जाती है, जब सरिया बाहर निकला हुआ रहता है और अंधेरे में यह दिखाई नहीं देता है, जिसकी मुख्य वजह यहाँ पर लगी एकमात्र स्ट्रीट लाइट भी निगम की मेहरबानी की वजह से बंद रहती है। क्षेत्रीय रहवासी भाजपा नेता राकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया। यहाँ बीच में जो बारिश हुई थी, ये नाला जो पूरी तरीके से जाम हो गया था और ये ओवरफ्लो हुआ था। ओवरफ्लो होने का कारण ये पूरी तरीके से कचरे से पट गया था, और ये पूरे जो बगीचा है इसके अंदर सारी गंदगी फैली। लेकिन नगर निगम आई, थोड़ा बहुत उन्होंने साफ सफाई करी, अंदर का पानी फंसा हुआ था, पानी फंसने के साथ में कचरा, चूँकि कचरा इतना ज़्यादा है अंदर, उन्होंने पुलिया को तोड़ा, एक नए सिस्टम चालू कर दिया इन लोगों ने, पुलिया तोड़ कर सफाई करने का। अब आप ये बताइए, इतने मोटे मोटे सरिये की पुलिया थी, अच्छी पुलिया थी, लेकिन नगर निगम ने उसको तोड़ कर साफ सफाई करने की बात करी, लेकिन ये पिछले 2 महीने से निरंतर ये बंद पड़ा है। ये लाइट भी बंद है, लाइट बंद होने की वजह से यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमारे यहाँ एक हमारी कॉलोनी के एक सीनियर पर्सन है जो रेलवे से रिटायर्ड है, वो गाड़ी सहित अंदर गिरते गिरते बचे। शाम के समय छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं इसी रोड के ऊपर, किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। बार बार यहाँ के जो इंजीनियर है मिस्टर मिश्रा जी, उनको बार बार बोला जाता है, लेकिन उनका ये कहना रहता सफाई हो जाए तो मैं आऊँ, जबकि सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी, इसमें फायर लॉरी के माध्यम से सफाई की गई है, लेकिन इसके बाद भी शायद वो संतुष्ट नहीं है। और 2 महीने से ये ऐसे खुला हुआ गड्ढा है और डेली यहाँ निमंत्रण दे रहा है एक्सीडेंट का। आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये पूरा रोड चलता हुआ रोड है, ये मेन रोड है, इंदिरा नगर से विनोबा नगर होते हुए मेन रोड है, ये जुड़ा हुआ है, जहाँ सरकारी स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी, इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी, कनेरी रोड, न्यू झाबुआ टू लेन, पुलिस लाइन के आगे, रतलाम। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान पर विधायक ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक चैतन्य काश्यप ने किया। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान पर विधायक ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक चैतन्य काश्यप ने किया। स्पर्धा में महिला एवं पुरुष वर्ग की कबड्डी एवं एथलेटिक्स की स्पर्धाएं हुई। विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिनमें शहर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रतलाम का नाम रोशन करेंगे। प्रदेश में 4 वर्ष पूर्व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना काल में यह प्रतियोगिताएं नहीं हो सकी थी। इस वर्ष फिर से यह शुरुआत हुई है। इससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों की देखरेख में अपने हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। खेल हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। इनसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से मनुष्य सुदृढ़ एवं अनुशासित होता है। निश्चित तौर पर जब ऐसे छोटे टूर्नामेंट के अंदर जो स्थानीय स्तर के होते हैं, इसमें अगर प्रशिक्षक ध्यान दे तो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। जो जमीनी स्तर के शुरुआती दौर के बच्चे खेलने के लिए मैदान में आते हैं और जो उनमें विधाएं होती है, बाद में उन्हें तराशने की जरूरत होती है, तो यहाँ सारे खेल प्रशिक्षक भी हैं, शासन के भी प्रशिक्षक यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर ऐसे टूर्नामेंट में वो गंभीरता रखें, पूरे समय तक इन टूर्नामेंटों के अंदर रहें और जिन जिन बच्चों में वो योग्यता है उन्हें चिन्हित करें और उन्हें चिन्हित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें और साथ में हम एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि हमारे नगर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उत्साह वृद्धि हो। अभी इस बार का ये पहला शुरुआती कार्यक्रम है, अभी स्कूलों का संचालन भी व्यवस्थित नहीं हुआ है, फिर भी एथलेटिक में 200 के करीब बच्चों की भागीदारी ये बताती है कि रतलाम में खेलों का एक रुझान काफी हद तक बड़ा है। चैतन्य काश्यप ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कबड्डी एवं एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल संगठनों द्वारा शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल संगठनों की ओर से प्रकाश व्यास, राकेश शर्मा ने विधायक काश्यप का अभिनंदन किया।
कार्यक्रम का आभार जितेंद्र धुलिया ने माना। शहर कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा करने के बाद कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर नवागत पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया द्वारा शहर कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा करने के बाद शहर कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर नवागत पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम से पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पदाधिकारियों को संबोधित भी किया, जिसमें मुख्य रूप से पारस सकलेचा, रजनीकांत व्यास, यास्मीन शेरानी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमरुद्दीन कछुआया, इंटक नेता अरविंद सोनी, सतीश पुरोहित, जेम्स चाको आदि नेताओं ने उपस्थित नवागत पदाधिकारियों को संबोधित किया तथा सभी से कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य कर कांग्रेस की रीति नीति से आमजन को अवगत कराने के साथ उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने की बात कही। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आपको जो नई जिम्मेदारियां दी गई है, इससे आपका ही नहीं कांग्रेस पार्टी का सम्मान बढ़ा है और कांग्रेस का सम्मान सदा बना रहे और उसकी विचारधारा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर हम सबको कार्य करना है। कार्यक्रम के पश्चात नवागत पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। ऐसे हमारे श्रमिक नेता जो श्रमिक क्षेत्र में हमारी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनचेतना समिति की बैठक का आयोजन पुराना कलेक्टर परिसर स्थित गुलाब चक्कर में आयोजन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनचेतना समिति की बैठक का आयोजन पुराना कलेक्टर परिसर स्थित गुलाब चक्कर में आयोजन हुआ। बैठक में सामाजिक चेतना का जागरण करने के साथ समाज में फैली कुरीतियों के दूर करने को लेकर विचार मंथन किया गया। साथ ही बैठक में आने वाले समय में सामाजिक चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार रहने की बात की गई। बैठक में समिति संयोजक मधु पटेल, जगदीश हरहरिया, दुर्गा शंकर खींची, बाबूलाल बंदोडिया आदि मौजूद रहे। कौन जा रही है? अरे भाई, वो आज आने वाली जनरेशन का एक वो होगा, हमारे सारे महापुरुषों की मूर्तियां लगेगी, हमारा एक रमणीय स्थान होगा, हमारी एक पहचान बनेगी, हमारा एक इतिहास का पन्ना सामने दिखेगा। बाकी ऐसे लोग हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस प्रकार की गतिविधियां हमें सामूहिक रूप से मिलकर करना पड़ेगी। और हमारे बीच में दलाल दल्ले तो बहुत सारे हैं, बाकी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो कचरा छटता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल हुई शुरू। हड़ताल के पहले दिन केंद्रीय कार्यालयों के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने भी किया कर्मचारियों को संबोधित। रतलाम जिले के अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या आधा दर्जन रही। कोई हुआ सड़क हादसे का शिकार तो कोई टकरा या ट्रेन से। जहर खाने के साथ ही फांसी लगाने से भी मौत का मामला आया सामने। जवाहरनगर क्षेत्र में सड़क के बीच बना सरियों का गुलदस्ता, नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही का नायब उदाहरण। 2 महीनों से खुदा गड्ढा दे रहा सड़क हादसे को आमंत्रण।